हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल इंडिया एक जन्नत में। आज हम आए हैं दिल्ली के हौज खास एनक्लेव में और आए हैं एक बहुत ही स्पेशल और यूनिक कैफ़े में जिसका नाम है ब्लाइंड बेक कैफ़े। इस कैफ़े को जो स्पेशल बनाता है वो ये है कि यहाँ की जितनी भी सारी फीमेल स्टाफ हैं वो नेत्रहीन है, ब्लाइंड है और सारा काम जो है शुरुआत से लेकर एंड तक वो खुद मैनेज करती हैं, चाहे वो खाना बनाना हो, बिलिंग हो, सर्व करने तक। तो अंदर चलेंगे, कैफ़े में खाना तो खाएंगे ही, साथ में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है देखने के लिए कि कैसे ये यहाँ पे सब कुछ मैनेज खुद करते हैं। ये वीडियो बहुत ही इंस्पिरेशनल होने वाला है और एक सोशल कॉज को सपोर्ट करने के लिए है, तो रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो अंदर चलते हैं, देखते हैं और शेयर करते हैं अपना एक्सपीरियंस, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। यहाँ पे जो है सिर्फ कैफ़े ही नहीं है बल्कि और बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिनकी ट्रेनिंग जो है यहाँ पे ब्लाइंड वुमेन को दी जाती है, चाहे वो कस्टमर केयर रिलेशनशिप हो, मैनेजमेंट ट्रेनिंग हो ताकि वो आगे चल के BPOs में काम कर सकें। यहाँ पे डिस्कवरिंग हैंड्स ट्रेनिंग का प्रोग्राम चलता है जहाँ पे अगेन फीमेल्स को उसकी ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे ब्रेस्ट कैंसर की डिटेक्शन की जाती है। फिर टॉकिंग हैंड्स का प्रोग्राम है जहाँ पे मसाज और थेरेपी के बारे में सिखाया जाता है। हैंडीक्राफ्ट यूनिट है, होम साइंस है और ये सारा जो है हम शेयर करेंगे वीडियो में। और ये एक बहुत ही नोबल कॉज है जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया है फीमेल्स को इंडिपेंडेंट करने के लिए ताकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकें और किसी पे भी डिपेंडेंसी उनकी ना रहे। तो अभी हैं हम कैफ़े की किचन में और देखते हैं यहाँ का स्टाफ क्या क्या बना रहा है और कैसे यहाँ पर मैनेज करते हैं। हाय, गुड आफ्टरनून। तो आज क्या बना रहे हैं आप? मछली बना रही हूँ आज। अच्छा, ये आपने डो बना के रखा, वो हो गया तैयार किया हुआ मैंने जी। ठीक है, और मैंने ये बिगनिंग स्किल है हमारा, इसके हेल्प से मैंने ये मेजरमेंट किया था प्रोग्राम। अच्छा, और मैं ये शेप दे रही हूँ जी, तो ये मैंने शेप दिए हुए हैं। अच्छा, तो मैं इसको तलूंगी फिर। ये सारे आपने बना के रख लिए? ये सारा मैंने किया। यहाँ पे जो है तारा और कमला जी दोनों जो है सीनियर शेफ हैं और अभी जानते हैं कमला जी से कि वो क्या बना रहे हैं। हाय कमला जी। यस मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। तो क्या बना रहे हैं आज आप? मैम, मैं यहाँ इडली मंचूरियन की तैयारी कर रही हूँ। ये कढ़ाई गर्म है तो आपका हाथ लगने का तो नहीं डर होता है इस टाइप से? नहीं, कोई बात नहीं, आदत पड़ गई है। आदत पड़ गई। हाँ जी, तो और क्या क्या बनाते हैं कमला जी आप यहाँ पे? वैसे तो हमारा बहुत सारे मेन्यूज है मैम, वेज नॉन वेज दोनों है, जैसे कि सैंडविचेस है, वेज नॉन वेज दोनों है, सैंडविचेस भी जी। और चिकन पिज़्ज़ा है, वेज पिज़्ज़ा है और बहुत सारे आइटम है मैम हमारे पास, वो सब चीज़ हम बना लेते हैं। ये है यहाँ का ओवन जिसमें ये सारी बेकिंग करते हैं, तो जानते हैं तारा से कि कैसे ये ऑपरेट करते हैं। ये हमारा ओवन है, इसमें हम पिज़्ज़ा भी बनाते हैं और कुकीज़ भी बनाते हैं और केक भी बनाते हैं। जैसे कि हम इसे ऑन किया हमने, तो हम इसे 180 की डिग्री पे इसे प्री हीट करते हैं। टाइल है ना, तो ये यहाँ पे हमें टच के लिए बताइए, टच करके हम इसे, जैसे ये वाला जो टू बटन है, टू बटन लगे हैं, तो ये 180 की इस पर सेट करेंगे हम तो ये 180 के उस पर जाएगा और इसके आगे हम करेंगे जो आगे वाला बटन है इसमें 200 की स्पीड मतलब प्री हीट हो जाएगा। ओके। तो ऐसे हमें पता चल जाता है। तारा जी, इसमें आप ड्यूरेशन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे पहचानते हैं कि टाइम पूरा हो गया? ये हमारे स्मार्टफोन है तो इसमें जैसे ये बोलता है, जो इसमें हम गूगल की हेल्प से हम इसे टाइम सेट कर लेते हैं। अच्छा, तो ये बता देता है जैसे आधे घंटे के लिए टाइम सेट करेंगे तो ये आधे घंटे बाद ही रिंग बजेगी इसकी। तो अभी हमने यहाँ पे देखा कि ये कैसे मैनेज करते हैं, कैसे यहाँ पे खाना बनता है, तो अभी चलते हैं कैफे में और कुछ खाना ट्राई करते हैं। तैयार है और इतना सारा जो है खाने की वैरायटी है, अभी हम आई एम रियली एक्साइटेड टू टेस्ट ऑल ऑफ दिस। लेकिन उससे पहले जो है वी आर वेरी लकी टू हैव विद अस मिस शालिनी खन्ना सोधी जी, जो NAB इंडिया सेंटर फॉर ब्लाइंड वुमेन पूरा मैनेज करते हैं, रन करते हैं। तो जानते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और ब्लाइंड बेक कैफे के बारे में इन्हीं से। हाय,
And we welcome you all also to this whole big table of food. So blind bake is basically an addition in the process of empowering blind women to help themselves and self-sustain. So where our other programs are, Talking Hands, which is a massage program, Discovering Hands is a breast cancer detection program. And this blind bake also, it's based on their skills. जब हमने फाइंड आउट किया कि बहुत सारी लड़कियाँ कुकिंग सीख पाती हैं यहाँ पर और बेकिंग भी सीखने लगी तो वी फेल्ट क्यों नहीं हम उसे एंटरप्राइज का एक शक्ल दें ताकि उन्हें कॉन्फिडेंस आए इसको अपनी स्किल बना के उसको एम्प्लॉयमेंट के लिए इस्तेमाल करने के लिए और फिर हमने अपनी पहली तीन गर्ल्स के साथ शुरू किया अभी वी हैव मोर गर्ल्स कमिंग एंड वॉन्टिंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट एंड आर 3-4 गर्ल्स कैन come up with sandwiches and pizza and quinoa salad and idli manchurian jo ya rakha hai wo main bol rahi hu burgers yeah. and ye banana walnut cake yeah. is a speciality of the center and yeah. even the chow mein and the biscuits and there's so much and I'm amazed ki how they all manage it by themselves ki sari uski measuring karna aur usko bake karna aur it's fantastic it's marvelous and thanks to our baker trainer Sheena yeah. Sahani ji she's not around right now but yes थोड़ा वक्त लगता है ब्लाइंड लोगों को सिखाने में और उनको पिकअप करने में बट वंस दे आर रेडी एंड दे हैव लर्नड उसके बाद दे आर लाइक यू एंड मी एंड उनके मेजरमेंट्स इतने स्पेसिफिक और इतने एक्यूरेट होते हैं क्योंकि वो अंदाज़ा नहीं इस्तेमाल करते ना तो वो गलत नहीं होते उन्हें पता है कि मैंने इतने में इतना ही डालना है मैंने इसको इतने वक्त तक पकाना है तो वो एब्सोल्युटली वो हमसे ज़्यादा फोकस रहते हैं और तो आउटकम बेहतर निकल के आता है एज यू कैन सी So Shalini ji, थोड़ा बताएंगे what gave you the inspiration to open the NAB India Center for Blind Women and also about the Blind Bake Cafe? कैसी inspiration मिली आपको? NAB India Center for Blind Women was opened in 2002, so now we finished 20 years this year. आरकेपुरम के ब्लाइंड स्कूल में मेरा जाना हुआ वॉलंटियर करने के लिए और फिर धीरे धीरे कुछ कुछ काम करने लगी वहाँ एंड ये रिसर्च मुझे करने को मिली स्टेट्स ऑफ ब्लाइंड वुमेन इन इंडिया जिसमें पूरे भारत में 500 वुमेन को हमने स्टडी किया और जो हालात उनके देखे आप सोच भी नहीं सकते कि एक ब्लाइंड लड़की की शादी एक साइटेड लड़की के साथ सेम आदमी के साथ कर दी जाती थी इन सम जोन्स इन इंडिया ज़्यादातर जगहों पे एडल्ट ब्लाइंड गर्ल्स एक ही कमरे में घर में सालों कन्फाइंड रहती थी क्योंकि माँ बाप को समझ नहीं आता था कि वो जाएँ कहाँ यहाँ से एक तो वो महिला है लड़की है ऊपर से ब्लाइंड है एज इफ उसकी एक डबल डिजिबिलिटी हो गई और अगर वो एक पुअर फैमिली में है तो वो ट्रिपल डिजिबिलिटी हो गई इतनी सारी डिसएडवांटेजेस के साथ उस महिला का अपने घर से बाहर निकलना इम्पॉसिबल और ये समझ आया कि एक डेडिकेटेड जगह खोलनी ज़रूरी है जहाँ केवल ब्लाइंड वुमेन को एक सुरक्षित रूप से ट्रेन करने की ज़रूरत है तब कुछ ऐसा नहीं था जो ब्लाइंड वुमेन के लिए डेडिकेटेड था जहाँ केवल उनके लिए हॉस्टल एक सुरक्षित तरीके से चलाया जाए और सोचा जाए आगे कि वो कहाँ क्या कर सकती हैं तो मेरे साथ और भी लोग थे तब जिन्होंने बोर्ड फॉर्म किया था और नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया जो एक बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है ये जगह उन्हें दी गई थी डोनेशन में तो उन्होंने मुझे कहा कि क्या आप शुरू करना चाहेंगी और शुरुआती दौर की थोड़ी मदद उन्होंने हमें की काम ये बहुत बड़ा था और आज भी है जी मतलब जितने काम आप बढ़ाते जाएंगे ऑफ कोर्स आपके खर्चे बढ़ेंगे और आपको वो फंडिंग लानी पड़ेगी लेकिन नए से नया प्रोग्राम इसलिए भी आता है कि आज भी ऑप्शंस बड़ी लिमिटेड हैं खाना अपने लिए बना लेना सबसे बड़ी आत्मनिर्भरता है ज़िंदगी में आपको ये आता है तो आप किसी पर निर्भर नहीं तो हम पहले दिन से सब ब्लाइंड लड़कियों को खाना बनाना सिखाते हैं जो और कहीं नहीं सिखाते तो धीरे धीरे हमने देखा कुछ लड़कियाँ उसी में बहुत अच्छी थी और फिर हमने एक इंटरनल कैंटीन शुरू की जब एक लड़की को कुछ और समझ नहीं आ रहा था वो बिल्कुल अनपढ़ थी बट खाने बनाने में बड़ी अच्छी थी तो उसके साथ एक इंटरनल कैंटीन शुरू की और वो उसने बड़ी अच्छी चलाई स्टाफ के लिए फिर एक हमारी जो कमला है नेपाल से आई इन्होंने बोला मैं स्पेशली आना चाहती हूँ कि मुझे कैफ़े चलाना सिखा दो ताकि मैं एंटरप्राइज खड़ा कर सकूं नेपाल में वापस आके मेरी एक बेटी है मैं सिंगल पेरेंट हूँ तो इनके कहने पे हम इनका पुश था और फिर हमने डोनेशन रेज की टू यू नो ये लोन था हमारे पास और हमने यहाँ पे
इस जगह को खड़ा किया और लड़कियों को ट्रेन किया. इट वॉज अ स्लो प्रोसेस, लेकिन ये जो आउटकम है इससे हम भी बड़े हैरान हैं. यहाँ से टेक अवे ऑर्डर्स होते हैं, डिलीवरीज जाती हैं, पिज्ज़ा इनका बड़ा हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है, इवन ब्रेड रोल्स एंड इडली मंचूरियन से तो हैरान ही बड़े हैं. ये इसी की अपनी डिस्कवरी थी, अपने आप इसने इनोवेट किया नेपाल गर्ल ने इडली मंचूरियन. एंड वी आर वेरी हैप्पी. It's just that we are looking for opportunities more now. कि इन्हें कैफेज में एम्प्लॉयमेंट्स मिले, ये और लड़कियाँ बाहर आएँ. बहुत डर लगता है आम लोगों को, ब्लाइंड लोगों को काम देते हुए, और वो भी गैस के पास. और यू नो, अब उनका डर है लेकिन डिसएडवांटेज इनका हो जाता है. जैसे पहले महिलाओं के लिए सोचा जाता था कि डर शायद माता पिता का है, भाइयों का है कि हम बाहर जाएंगे कुछ प्रॉब्लम होगी, और उनके डर की वजह से हमें घर में बैठना पड़ता था. तो वो उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर को भी बदलना ज़रूरी था और सोच भी साथ साथ बदलनी ज़रूरी थी. तो सेम प्रॉब्लम आई वुड से कि इंफ्रास्ट्रक्चर का बदलना भी ज़रूरी है बाहर, और सोच भी बदलनी ज़रूरी है. और ये सोच ज़्यादा एम्प्लॉयर के तरफ से आनी बहुत ज़रूरी है कि हाँ, आप हर एक को काम देने को रेडी हों, और वहाँ आप ये ना देखें कि उसकी उसमें क्या अंग की कमी है, उसकी प्रॉब्लम है, वो उसको कैसे मैनेज करेगी. थैंक यू सो मच शालिनी. थैंक यू सो मच शालिनी. थैंक यू. सो हमें यहाँ पे शालिनी जी से बात करके बहुत ही अच्छा लगा, एंड द काइंड ऑफ नोबल कॉज जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया है, दैट इज़ टोटली कमेंडेबल. तो अभी मैं जल्दी से आपको दिखा देती हूँ कि क्या क्या मेरे टेबल पर लगा हुआ है. यहाँ पे है कुछ मछली, ये है नमकीन पोहा, चाउमिन, और ये है चिकन स्टफ्ड कुलचा जो अभी थोड़ी सी देर में ट्राई करते हैं. ये है वेज बर्गर, काफ़ी फिलिंग और काफ़ी हैवी लग रहा है. ये है इडली मंचूरियन जिसको अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था बनते हुए, और ये है किनुआ सैलेड, और यहाँ पे है वेज सैंडविच, और यहाँ पे है केक्स की दो वैरायटी. एक है बनाना वॉलनट केक, इतना सॉफ्ट लग रहा है, एंड दिस इज़ द चॉकलेट केक. और ये है यहाँ का जो बहुत ही फेमस माना जाता है, ये है वेज पिज्ज़ा. सो अभी हमने देखा था कमला जी को ये बनाते हुए इडली मंचूरियन, और ये जो है फाइनल प्रोडक्ट इतना टेम्पटिंग और इतना अच्छा लग रहा है. बहुत ही टेस्टी है, और दिखने में ये बिल्कुल जो ऐसे लग रहा है जैसे नॉन वेज एक डिश हो. इसमें कैप्सिकम डला हुआ है, अनियंस डले हुए हैं, सॉफ्ट सी इडली है, और इसके ऊपर जो चटनी लगी हुई है, कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है. और अब ट्राई करते हैं किनुआ सैलेड जो कि बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस है, और इतनी कलरफुल इन्होंने बना के इसको और भी टेम्पटिंग कर दिया है. बहुत ही स्वाद है, एकदम लाइट, बिल्कुल भी हैवी नहीं है, और इसमें बेल पेपर्स और कैप्सिकम और लेमन का टेस्ट आ रहा है, हनी का भी फ्लेवर आ रहा है, और इट्स रियली वेरी लाइट एंड वेरी रिफ्रेशिंग. और ये अब आ गया है बच्चों का फेवरेट जो होती है डिश, चीज़ पिज्ज़ा, और इसके ऊपर जो है इट्स ओवरलोडेड विद चीज़. इसके ऊपर काफ़ी सारी वेजिटेबल्स लगी हुई हैं, कॉर्न है, कैप्सिकम है, ग्रीन और रेड. डिलीशियस. और यहाँ पे नॉन वेज आइटम्स भी मिलती है, और ये है चिकन स्टफ्ड कुलचा, और इसमें भी इतने अच्छे से स्टफिंग हो रखी है. कुलचा जो है बहुत ही अच्छे से बटर का टेस्ट आ रहा है, उसमें अच्छे से उसको रोस्ट किया है, और फिलिंग जो है चिकन की बहुत ही अच्छी है. चिकन बहुत सॉफ्ट है, और मसाले जो हैं एकदम परफेक्ट लेवल है, एकदम बैलेंस्ड है, ना ज़्यादा तीखा ना एकदम ब्लैंड, एंड बिल्कुल मेरे टेस्ट लेवल का है, एंड आई एम लविंग इट. और अब ट्राई करते हैं ब्रेड रोल ग्रीन चटनी के साथ. ये सारी ग्रीन चटनी भी इन्होंने खुद ही बनाई है. बहुत ही स्वाद है, और इतनी अच्छे से इसकी स्टफिंग हो रखी है, अनियंस है, जीरा है, बहुत ही अच्छे से आलू मैश हो रखे हैं, और स्पाइस लेवल अगेन बहुत ही अच्छा है, और चटनी जो है एकदम फ्रेश ग्रीन धनिया की चटनी, नींबू, हरी मिर्च, सारे जो इसमें फ्लेवर आ रहे हैं बहुत ही बढ़िया. और अब ट्राई करते हैं केक जो अगेन यहीं पर इन्होंने सारी जो है फीमेल स्टाफ ने बनाया है. ये है चॉकलेट केक, और ये है बनाना वॉलनट केक. चॉकलेट केक बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत टेस्टी है, शुगर का लेवल एकदम सही है, ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा मीठा नहीं है,
बनाना वॉलनट केक इज़ टू गुड, बहुत ही स्वाद है। अभी हैं हम यहाँ के रिसेप्शन एरिया में और देखते हैं कि ये यहाँ पे कैसे हैंडल करते हैं चीज़ें। हाय, क्या नाम है आपका? गुड आफ्टरनून मैम। मैम मेरा नाम रीना है। मैम हम यहाँ पर सबसे पहले जितने भी बाहर अंदर की कॉल होती है उसे अटेंड करते हैं जी, और जो भी कॉल हमें मतलब ट्रांसलेशन करने, जैसे कि हम एडमिशन रिगार्डिंग फ़ोन आता है तो हम बिना उनको वो करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, और बाकी जितनी भी कॉल रहती हमारे पास आती है सबकी डेट एंट्री करते हैं। अभी है हम यहाँ के कंप्यूटर क्लासरूम में और मेरे साथ है नेहा जो यहाँ पे 3 साल से हैं, तो जानते हैं इनसे कि ये यहाँ पे कैसे सिखाते हैं। सभी ब्लाइंड पर्सन जो कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं वो रीडिंग राइटिंग सॉफ्टवेयर की हेल्प से यूज़ कर कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं, जो कि सॉफ्टवेयर्स हैं जॉज। जॉज स्टैंड्स फॉर जॉब एक्सेस विद स्पीच, जो कि अमेरिकन सॉफ्टवेयर है, और इंडियन सॉफ्टवेयर है NVDA। तो हम दोनों ही सॉफ्टवेयर के साथ बच्चों को सिखाते हैं। वो जो ये सॉफ्टवेयर है ये मॉनिटर स्क्रीन पर जो भी आता है उसको रीड करता है, और जो भी की आप कीबोर्ड से प्रेस करते हैं उसको रीड करता है, तो उसकी हेल्प से जो है वो कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं, और माउस नहीं यूज़ करते हैं, टोटल वर्क कीबोर्ड से करते हैं जी। मैंने भी एक्चुअली यहीं से सीखा, मैं पहले यहाँ पर ट्रेनी रही थी। मैंने 2017 में मैं यहाँ पे ज्वाइन किया। मैंने यहाँ पर डिस्कवरिंग हैंड्स का कोर्स किया, ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन का, साथ साथ मैंने कंप्यूटर सीखा था, और अभी लास्ट 3 ईयर्स से मैं यहाँ पर एज अ कंप्यूटर ट्रेनर काम कर रही हूँ, और 3 साल से बच्चों को कंप्यूटर सिखा रही हूँ, और साथ साथ खुद भी बहुत सारा कंप्यूटर सीख रही हूँ। अभी है हम यहाँ के हैंडीक्राफ्ट यूनिट के सेक्शन में और मेरे साथ हैं सीमा जी जो यहाँ के ट्रेनर हैं और जानते हैं इस प्रोग्राम के बारे में नहीं से। मैम ये हमारा हैंडीक्राफ्ट यूनिट है। यहाँ पर हम लोग जब भी हमारा कोई बच्चा आता है, ब्लाइंड बच्चा आता है, तो सबसे पहले हम लोग बच्चों को यहाँ की उनसे बातचीत करते हैं, कितनी ब्लाइंडनेस है उनको, थोड़ा दिखता है नहीं दिखता है, उसके बाद हम लोग यहाँ की ओरिएंटेशन कराते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी हुई है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर उनको बताते हैं कि यहाँ पर क्या क्या बनता है, जैसे कि ये कोस्टर है, ये कोस्टर बताते हैं उनको, एंड ये डोरी कोस्टर है, पोटलीज है, तो उनको सब सारी चीज़ें प्रोडक्ट फील कर करके बताते हैं। और फिर हम उसके बाद बच्चे का इंटरव्यू लेते हैं, क्या क्वालिफ़िकेशन है उनकी, क्या पढ़ाई की है, कभी उन्होंने हाथ का काम किया ही नहीं, उनको जानते हैं हम लोग। ये न्यूज़पेपर के पाइप्स देख रहे हो आप, हम इनके बारे में बताते हैं क्योंकि हम इस पाइप से ही प्रोडक्ट स्टार्ट कराते हैं उनको। तो अभी हम हैं टॉकिंग हैंड्स यूनिट के ट्रेनिंग सेंटर में और मेरे साथ हैं थेरेपिस्ट मारूफा, और जानते हैं ये यहाँ पे क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये थेरेपी देते हैं जैसे सर्वाइकल पेन, माइग्रेन पेन, लोअर बैक पेन, बॉडी का किसी पार्ट का भी प्रॉब्लम होती है तो एक प्रेशर पॉइंट से फील करके वो प्रॉब्लम को सही कर देते हैं। कंप्यूटर में बैठे बैठे जो काम करते हैं ना, तो काफ़ी दिन थक जाते हैं जी। तो किसी को लोअर बैक में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम, अक्सर लोअर बैक का, माइग्रेन का, सर्वाइकल का अक्सर प्रॉब्लम होता है, हैंड प्रॉब्लम अक्सर होता है। तो थेरेपी से क्या होता है कि आपको नुकसान नहीं हो सकता है, जहाँ पे वो स्टिफनेस जो हो जाता है, सोलिंग हो जाता है, तो थेरेपी से वो सोलिंग काफ़ी रिलीफ हो जाता है जी। तो आप ड्राई थेरेपी और ऑयल ट्रीटमेंट्स ये सारा प्रोवाइड करते हैं? यस मैम। तो बेसिकली आजकल जो है सिडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से इतनी सारी एक्स और पेन्स की जो प्रॉब्लम रहने लगी है उसको काफ़ी हील और रिलैक्सेशन में जो है ये यहाँ पे उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, मदद करते हैं। अभी हैं हम यहाँ के डिस्कवरिंग हैंड्स यूनिट में और मेरे साथ हैं नेहा, और नेहा थोड़ा बताएंगे इस प्रोग्राम के बारे में प्लीज़। डिस्कवरिंग हैंड्स प्रोजेक्ट है जो कि बेस है अर्ली साइंस डिटेक्ट करने का ब्रेस्ट कैंसर के, जिसमें कि ब्लाइंड गर्ल को ट्रेन किया जाता है। ब्लाइंड गर्ल्स की जो टैक्टाइल सेंस है वो स्ट्रांग होती है, तो वो अपने फिंगर्स के मूवमेंट से ब्रेस्ट में कोई भी नॉर्मेलिटी को डिटेक्ट कर लेते हैं। ये कोर्स 9 मंथ्स का है और उसके बाद 3 मंथ्स की इंटर्नशिप रहती है जो कि मेदांता हॉस्पिटल में होती है। ब्लाइंड गर्ल्स को टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, सीके बिरला हॉस्पिटल और फोर्टिस जैसे हॉस्पिटल्स में अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो डॉक्टर्स के साथ एज एन MTE काम करते हैं। MTE स्टैंड्स फॉर मेडिकल टेक्टाइल एग्जामिनर, तो मेडिकल फील्ड में काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। थैंक यू। थैंक यू सो मच नेहा।
सो यहाँ पे डिस्कवरिंग हैंड्स में हमने देखा कि कितना अच्छा इनिशिएटिव इन्होंने लिया है कि जहाँ पे ब्लाइंड वुमेन को ट्रेन किया जा रहा है कि आगे चल के उनके लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती हैं कि वो हॉस्पिटल्स में मेडिकल फील्ड में आगे एम्प्लॉय हो सकें। यहाँ पे आके हमें इतना अच्छा लगा, इतनी इंस्पिरेशन और इतनी मोटिवेशन मिली कि आपके लाइफ में चाहे कोई भी कमजोरी हो आपको, या लेकिन उसको आपको अपना बैरियर नहीं बनाना है, एक हर्डल नहीं बनाना है, रादर उसको फेस करना है, उन चैलेंजेस को ओवरकम करना है और आगे बढ़ना है। और इसी पॉजिटिव वाइब्स के साथ हम यहाँ से जा रहे हैं और ख़त्म करते हैं अपना वीडियो। और अगेन एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ये वीडियो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके। आप अगर इन्हें किसी भी तरीके से सपोर्ट करना चाहें, डोनेट करना चाहें, तो उसकी सारी डिटेल्स जो है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वो वहाँ से आप ले सकते हैं। और इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं आज का ये वीडियो, और इसी तरीके से हम और अच्छी सी टॉपिक्स और कंटेंट आपके लिए लेते आएंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मिल सके आपको नोटिफिकेशन हमारे आने वाली वीडियोज़ की। तो बने रहिए हमारे साथ इंडिया एक जन्नत के साथ एंड एन्जॉय।